पेट के बच रही है और पढ़ रही है। मोदी की खाल में भूस भरा जाएगा जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया, क्योंकि सारे चोर गुजराती हैं। रामचरितमानस का रचना गोस्वामी तुलसीदास एक मस्जिद में बैठ कर के किए। मोदी जी तो आरएसएस के लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी का कोई रिश्तेदार है वो अडानी, क्यों नहीं बोलता उसके ऊपर? ऐसा क्या कर दिया अडानी जो 8 साल में 600 नंबर से 2 नंबर पे आ गए? जो गृह मंत्री हमारे वो नार्सिस्ट है, वो काले जादू की राजनीति करते हैं। कहा है आज स्मृति ईरानी? पेट्रोल का दाम आप देखिए 100 रुपए से पार हो गया है। कोरोना सिर्फ मोदी की वैक्सीन में था, मोदी के घर में था। नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी लूटपाट। सब अडानी को दे दिया, सारे एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, सब कुछ अडानी को दे दिया, हर चीज में अडानी अडानी। आपको क्या तकलीफ हो रहा है? क्यों हमें नौकरी चाहिए? हमें कांग्रेस नौकरी देती थी, नौकरी देती? हर चीज प्राइवेट कर दी। क्या छोड़ा हमारा? क्या बात कर रहे हो? आपको तकलीफ नहीं हो रहा? आपको तकलीफ नहीं हो रहा? लोकतंत्र खतरे में है। कैसे खतरे में? मोदी को गाली देंगे, लोकतंत्र खतरे में। अभी हमने कहाँ गाली दिया? मोदी को चोर बोला है राहुल गांधी ने। तो जो चोर है उनको चोर बोला ना? कैसे चोर? मोदी को तो नहीं बोला। मोदी चोर है, मोदी चोर है, चोर है, चोर है, चोर को चोर बोला। अगर मोदी ललित मोदी दोनों को बोल रहे हैं देश छोड़ के भागे, देश का पैसा लेके भागे। दोनों मोदी नहीं है? पैसा लेके भागे, चोर है। क्यों? नरेंद्र मोदी का कोई रिश्तेदार है वो अडानी, क्यों नहीं बोलता उसके ऊपर? जेपी जी का गठन क्यों नहीं कर रहा? डरता है वो नरेंद्र मोदी, डरता है। ईडी, ईडी, सीबीआई, सीआईडी, इस देश के जितने। आपको ये सब बोलने के लिए क्या मिला है? आपने आप एक सेकंड, आप स्वयं बिक गए हैं ना मोदी के यहाँ पर? गोदी मीडिया है ना, यही सवाल करेंगे। अच्छा, हम लोग गोदी मीडिया है? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने दिया क्या? आपने दिया क्या? आपने पूछा? बताइए सरकार किसकी है? भटकना नहीं है, सरकार किसकी है? सुनिए, सवाल पूछेंगे, सवाल लीजिए। सरकार के सवाल नहीं होंगे तो तुम ये कहोगे पैसे लेकर आए हैं? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? मैंने तो ये नहीं बोला। तुमने तो बोला। अभी आप ये बोले, सुनिए, आप करिए, आप जो भी दर्शक देख रहे हैं देखिए किस प्रकार इन्होंने अभी हमें पैसे का आरोप लगाया और उसके बाद आप मोदी जी को चोर बोलेंगे? वो है ना चोर? कैसे चोर? आप अडानी को बोले, कैसे चाटुकार पत्रकार? जब सरकार के साथ खड़े रहेंगे तो सच्चाई बोलेगा कौन? आपके राहुल गांधी विदेश में जाके लोग सच्चाई। भारत माता की जय। राहुल गांधी एलआईसी का पैसा लगा, तुम्हारे साथ राहुल जी संघर्ष करो। मैडम एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, एक मिनट भाई साहब। एलआईसी का जो पैसा था जो लगा हुआ अडानी ग्रुप में, आपने उस पे सवाल क्यों नहीं उठा सरकार? वो तो बदनाम कर रहे हैं। तो आईपीएम कर रहे हो आप, जान पूछ के मुद्दों को भटकाना चाह रहे हो। मोदी को दे दिया, एक करके जवाब दीजिए। अब ये बताइए, भागना पड़ेगा देश को जो गुलामी की तरफ ले जा रहा है ये पैसा? एलआईसी का पैसा? हाँ जी बताइए। एलआईसी का मुद्दा है, एलआईसी का पैसा अडानी को दे दिया गया, आप एक बात समझो, एलआईसी में किसका पैसा है? हम सबकी न्यूज है,
कि 27 करोड़ आईपीएफ का जो पेंशन का पैसा जमा होता है उसमें से भी दे दिया गया है अडानी को। अडानी लगता कौन है, उसका रिश्ता क्या है ये तो बताए, मोदी का उससे रिश्ता क्या है, इसका मतलब दोनों के दोनों मिले हुए हैं। जहाज में बैठे देश की जनता है, ये तो खोलो जहाज में बैठे अगर कोई रिश्ता क्या है कोई पड़ेगा। राहुल जी ने जो सवाल किए वो जवाब देना पड़ेगा। बोलिए पूछे क्या चाहते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन अगर कोई प्रधानमंत्री के साथ बैठ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत हो? दिक्कत है, एक ही आदमी क्यों बैठता है? टाटा बिल्ला टाल में जो हमारे 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, किसके हैं वो? 2018 में 609 नंबर पे थे अडानी जी और 2 साल के अंदर दूसरे नंबर पे आ गए और साहब को घाटा हो रहा है। कोरोना के टाइम में जब सब लोग जगह भुखमरी मर रही थी, सबके व्यापार ठप थे, तो उनकी पैसा बढ़ता जा रहा था, वो क्या राज है? सारे एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट दे दिए, सारे पोर्ट, कोयले की खदाने, रेलवे स्टेशन सब अडानी को ही क्यों दिए जा रहे? क्योंकि वो उस लायक है। किस लायक है? अभी आप देखो जाके, पैसा नहीं है कहने के लिए, पैसा नहीं है उनके पास, सिर्फ गुब्बारा है, गुब्बारा। अब गुब्बारे की हवा निकल गई है। आपके जो राहुल गांधी जो नेता है वो मोदी जी चोर क्यों बोले? वो आरएसएस के नहीं बोलते, वो आरएसएस के गुलाम तोड़ी हैं। मोदी जी तो आरएसएस के गुलाम हैं, मोदी जी तो आरएसएस के लिए काम करते हैं। वो हमारे जो राहुल गांधी है वो आरएसएस के लिए थोड़ी करते, वो तो देश के लिए करते हैं। वो माननीय श्री सोनिया गांधी को गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, जर्सी गाय बोल सकते हैं, माननीय श्री सोनिया गांधी को मतलब गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, तब चलेगा। और राहुल गांधी चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 8 साल में मोदी ऐसा क्या कर दिया अडानी, जो 8 साल में 600 नंबर से 2 नंबर पे आ गए? अगर आप में टैलेंट था तो क्यों नहीं ऊपर आ पाए उतने दिन से? आप इससे पहले के सीईओस को देखेंगे आप, बिल गेट्स हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, इन लोगों ने अपने संघर्ष के दम पे, टाटा हो गया अपने संघर्ष के दम पे इतने साल में नाम कमाया है, सिर्फ 8 साल में मैन्युपुलेशन के दम पे ही ऊपर जाया जा सकता है। फंड में पैसा मिला था, पीएम केयर फंड में घुस भर दिया जाएगा इसके, नरेंद्र मोदी की खाल में घुस भरा जाएगा जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया। क्योंकि सारे चोर गुजराती हैं, गुजरात का ये जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है ना, आज तक कभी आर्मी में कोई गुजराती शहीद नहीं हुआ, नहीं तो इतिहास उठा के देख लो, क्योंकि चोरों का सरदार नरेंद्र मोदी। ये इतनी खतरनाक सरकार है कि आज देश के जितने भी जवान हैं उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, सारे मीडिया को। राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाके बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये बदनामी नहीं है भारत की? किस तरह से बदनामी है? लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है ना? नहीं, आप लोग जो सुनना चाहते हैं वो बोले। ये बयान नहीं दिया कि लोग बाहर जाके, ये बयान नहीं दिया कि लोकतंत्र खतरे में। क्या दिया? उन्होंने कहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस पे भी और लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। और हमारा जो भारत का लोकतंत्र है पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि इतने बड़ी डेमोक्रेसी हम चला रहे हैं। यहाँ पर जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं लोकतंत्र, आप लोगों को मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी से क्या दिया? उनके वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या दिया 15 लाख मोदी जी कहाँ दिया? 2 करोड़ कहाँ दिया? अग्निवीर लाया, 80 करोड़। आप जाइए, आप प्रधानमंत्री जी बोलिए, आप मोदी मोदी क्यों बोलते हैं? आप उनको सेंटर में क्यों ला रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जी बोलिए ना, इससे पहले प्रधानमंत्री जी के नीतियों से विरोध है, व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई विरोध नहीं। जो उन्होंने नीति बनाई है, जो हिंदू राष्ट्र से आप समर्थन नहीं करते, हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते, हिंदू राष्ट्र का हम हिंदू हैं, आपसे ठेका लेकर के बनेंगे। एक मिनट यार, हिंदू राष्ट्र ऐसे क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र को क्यों लाते हैं? आपको मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि रामचरितमानस का रचना गोस्वामी तुलसीदास एक मस्जिद में बैठ कर के किए, महिलाओं को लेके अभद्र बातें लिखी। जात या धर्म के अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है,
जाति धर्म को ऊपर मुद्दे पर आइए, महंगाई का जवाब दीजिए, बेरोजगारी का जवाब। कांग्रेस के राज में कोई महंगाई नहीं थी। कहाँ महंगाई थी? 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए गैस हो चुकी है, 1200 रुपए गैस हो चुकी है। पहले कितना गैस था, पहले कितना दाम था उसका गैस का, आज 1200 रुपए हो गया। एक गरीब महिला अपने घर में गैस नहीं जला पा रही है, उसने बस उसको सजावट के लिए रखा है कि हमने गैस रखा हुआ है। आप आज दाल ले रहे हैं, दाल कैसे है, पहले दाल कैसे था, आज डॉलर का रेट क्या चला गया है। महिलाएं सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित है वो सिर्फ टीवी में दिखाने के लिए, टीवी में आप ग्राउंड रिपोर्ट महिलाओं के लिए रिपोर्ट, आप बाबा जी का न्यूज चला रही हैं, बाबा जी के दुनिया से बाहर आएंगी ना तो आपको दिखेगा कि उस लड़की का जो हाथरस कांडिया में जो रेप हुआ था उसका इतना गंदरा दर्दनाक हुआ, आज तक उसको मीडिया छुपाती रही है और आगे भी छुपाती रहेगी जब तक बाबा जी का सरकार रहेगा। आप लड़कियों की बात कीजिए, आपके जिंदगी में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ना उस पर बात कीजिए, प्रॉब्लम्स ये नहीं है मोदी 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 मोदी, सिर्फ मोदी को सेंट्रलाइज करके आप लोग बस एक मीडिया दिखाना चाहते हैं कि ही इज लार्जर देन डिफीट, इनको हराया नहीं जा सकता, ये अपराजय है, ऐसा कोई नहीं है। गृह मंत्री तो ऐसा ही, बोलते हैं, गृह मंत्री को बोलने दीजिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नार्सिस्ट होम मिनिस्टर बना है, एक नार्सिस्ट होम मिनिस्टर बना है, इतिहास इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो एक मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री हमारे वो नार्सिस्ट हैं, वो काले जादू की राजनीति करते हैं, काले जादू की राजनीति करते हैं हमारे होम। ये कैसे बोल सकते हैं? अरे 12वीं के बाद इंटर, हाँ, तो टंग ऑफ स्लिप था, ऑफ टंग था, स्लिप ऑफ टंग था, तो ये मोदी चोर भी स्लिप ऑफ टंग था। 15 लाख रुपए भी तो अकाउंट में आ रहे थे मित्रों, 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, यूं ही मिल जाएगा। युवाओं के लिए अग्निवीर योजना लाया, महिलाएं सुरक्षित है, विश्व में विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है, आप लोगों को दर्द। आज पूरा देश नार्सिस्टिक अब्यूज में डूबा हुआ है। मोदी गोदी मीडिया, एक नार्सिस्ट होम मिनिस्टर बैठा है, गोदी मीडिया, आपको लगता है आप सुरक्षित हो, ये गोदी मीडिया आई हुई है। एक नार्सिस्ट विश्व पटल में भारत कर, जब तक एक नार्सिस्ट होम मिनिस्टर बना रहेगा तब तक डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। चाइना बड़ा इकोनॉमी है, इंडिया छोटा इकोनॉमी है, इसलिए हम आंख से आंख दिखा नहीं सकते। चाइना भी मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा है, आप देखिए ना चाइना, इंडियन मीडिया कहती है, आप देश से बाहर जाओ आपको सच्चाई पता चल जाएगा, लार्जर देन डिफीट वाला पिक्चर लेके मोदी जी। अब तो इनकी सदस्यता, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, अब क्या करेंगे? यही तो है, कैसे चली जाएगी, बातों से चली जाएगी। अभी 2024 तो आने दो जरा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। क्या करेंगे आप लोग? बता देंगे वक्त आने पे। बताइए क्या करेंगे? निकले हुए ना, गांधी जी की राह पे चलेंगे, गांधी जी की राह पे चल के अपने लोकतंत्र को बचा लेंगे, अपनी नौकरी बचा लेंगे। अपनी अपने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लोकतंत्र कैसे खत्म कर लिया ना, ताना शाह बैठ गया आज हिंदुस्तान में, ताना शाह। अब्यूज इसी को कहते हैं जिससे लोकतंत्र खतरे में है, ये नहीं है। लोकतंत्र कैसे खतरे में है? लोकतंत्र इस तरह से खतरे में है कि हर चीज पे अडानी मदानी उनका कब्जा है, और दो चार व्यापारियों के लिए हमारा प्रधानमंत्री देश का आप लोगों को 56 इंच का सिंगा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे अरे देश में लोगों के जाकर देखिए, 56 इंच का सीना तो सुकड़ के अब 2024 में 26 की भाषा बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं। 56 इंच का सीना नहीं है ये, आपने नापा था या किसने नापा था, ये तो देख रही है, आप बोलती है जनता, आप जो बोलने से क्या होता है, हकीकत हमारे सामने है, जनता देख रही है। जिस कायरता से आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 56 इंच का सीना तो देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मैं कविता लिख के लाया हूँ, कुछ लाइनों से मैं समझा देता हूँ। ताना शाह क्योंकि सवालों से घबराता है, चाहता है पूरा कौम मूर्ख बना रहे। तानाशाह क्योंकि आलोचना पसंद नहीं करता, चाहता है जी हुजूरियों का तंबू तना रहे। तानाशाह लोभियों से संभावनाएं देखता है, चाहता है लोभ हर शख्स में सना रहे। लोगों से ताकत पाता है, चाहता है साया डर का घना रहे। तानाशाहों के चाहने से ही सब कुछ होता, तो कौमों की आजादी की कोई इतिहास नहीं हुआ होता। तेरी तानाशाही यहाँ पे कुछ क्या बोल रहे हैं आप लोग? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। देखिए जब राहुल गांधी जी किसी भी मुद्दे को लेकर लोक सदन में उठाते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। क्यों माइक अनम्यूट किया जाता है, म्यूट क्यों किया जाता है माइक को? नरेंद्र मोदी जी सीधे शब्दों में एक ही बात कहना चाहूंगा उनके लिए, वो केवल अदानी के लिए सरकार है बनी हुई है,
अंबानी के लिए सरकार बनी हुई है, गरीब आदमी की सरकार नहीं है ये सरकार। 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है। ठीक है हम समर्थन करते हैं। मैम वो भी कांग्रेस सरकार ने 2012 में खाद्य सुरक्षा बिल पास किया था, ये भी हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। आज भी ये पता होगा कि अगर राहुल गांधी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब की, मजदूर की, किसान की, व्यापारी की, तो क्या बुरा कर रहे हैं? देश हित में राहुल गांधी जी अडानी से आप बोले कि गरीब के लिए काम नहीं करिए, गरीब के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए वो मुफ्त में राशन दे रही है, और क्या चाहिए? देखिए, मुद्दा घुमाने फिराने से कुछ नहीं होगा, बात केवल एक है, 20,000 करोड़ अदानी के फर्जी सेल्स कंपनी के खाते में कहां से आए? केवल एक ही मुद्दा उठाया था उन्होंने, उसका ना तो कोई जवाब दिया गया ना कुछ नहीं। उसके बाद राहुल गांधी जी का माइक अनम्यूट किया गया, उनको बात रखने नहीं दी गई, और आज के डेट में राहुल गांधी जी का सदन में आना भी ये नहीं है। आप मोदी जी को चूड़ी पहनने के लिए बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। प्रधानमंत्री को चूड़ी पहनने के लिए बोलेंगे आप लोग? स्मृति ईरानी जी को बोलना चाहिए, जब मनमोहन सिंह जी को बोल सकती हैं वो आज। स्मृति ईरानी नहीं है, ईरानी स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी जी जब विपक्ष हमारे विपक्ष में थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बोले सोनिया भेंट की, उस समय 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज 1170 रुपए का सिलेंडर है, तो आज जनहित में और देश हित में स्मृति ईरानी जी को 400 रुपए का सिलेंडर रहता था, थोड़ा सा भी रेट बढ़ता था वो सड़क पे निकल जाती थी सिलेंडर उठा के अपने कंधों पे। आज 1100 रुपए से 1200 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया है, कहाँ है आज स्मृति ईरानी? पेट्रोल का दाम आप देखिए 100 रुपए से पार हो गया है, डीजल। राहुल गांधी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तमाम युवा मौजूद हैं और हमेशा ये बोल रहे, एक ही नारा लगा रहे हैं कि राहुल गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है दिल्ली के लाल किले के सामने की ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हम किसी जो ये दलाली कर रहे हैं सामने रोक रहे हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, हम राहुल गांधी जी के लिए आए हैं। एक मिनट, अब आप लोग क्या करेंगे? उनकी सदस्यता तो चली गई, हम क्या करेंगे? 2024 में कैसे चुनाव? रोड पे मैम, रोड पे संघर्ष होगा, हमारा प्रधानमंत्री बोलने नहीं देगा। तो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता रोड के ऊपर जनता के बीच में जाएंगे और इसके ढोंगी के सारी पोल खोली जाएगी, क्योंकि जनता सबसे बड़ा, जनता प्यार करती है मोदी, किसे? मोदी से नहीं प्यार करती जनता, तो 67% नरेंद्र वोट, 67% नरेंद्र मोदी आरएसएस और बीजेपी को खुला चैलेंज है। अगर इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, ईवीएम मशीन हटाओ और फिर मैदान में। ईवीएम तो कांग्रेस लाई है, ईवीएम कांग्रेस लाई है, लेकिन इन्होंने ये घोटाले बाजों ने इन्होंने उसको हैक करा है। कांग्रेस ईमानदारी से इलेक्शन करती थी, आपको खुद को आप बताएंगे, मतलब मशीन जब कांग्रेस के पास था तो वो ईमानदार थी, और बीजेपी के पास आ गया तो वो बेईमान हो गई। बेईमान तो है, बेईमानी टपकती है आज तड़ी पार, तड़ी पार। मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया, ये मोदी मीडिया, मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मानना है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ये उनका खुद कहना है, तो क्यों नहीं बदलते? किसने? नहीं, अगर कांग्रेस ने जापान ने इसको बनाया, सारी चीजें देश के अंदर कांग्रेस ही लेकर आई है, लेकिन मिसयूज सारा बीजेपी कर लेती है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने उसका दुरुपयोग नहीं किया, कांग्रेस ने दुरुपयोग नहीं किया है उस चीज का। कांग्रेस हमेशा ईमानदारी की राजनीति करी है, देश हित में हमेशा बात करी है। और ये राहुल गांधी जो है, हमें आप लोग बोल रहे गोदी मीडिया, आप लोग कांग्रेस भक्त हैं? नहीं, अगर नेशनल मीडिया जो सही न्यूज दिखाएगा उसको गोदी मीडिया नहीं बोलेंगे। आप एक न्यूज दिखाई जा रही है वो सोशल मीडिया वाले दिखा रहे हैं, आप जैसे लोग दिखा रहे हैं, हम इसको एग्री करते हैं। मीडिया सच्चाई दिखाने लगे तो देश को पता लग जाएगा कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। नेशनल मीडिया क्यों राहुल गांधी जी डर रहे, मोदी जी क्यों डर रहे? क्योंकि राहुल गांधी जी ने सांप का गैटवा पकड़ा है, और वो गैटवा क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? आप लोग यहाँ पे आई
मोदी जी जो है महिला को सशक्त कर रहे हैं और आप लोग उनके खिलाफ विरोध। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और हमारी जो उत्तर प्रदेश की बसें चलती है ना उसमें बड़ा बड़ा लिखता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या आपको लगता है हाथरस कांड के बाद बेटियाँ बच रही है और पढ़ रही है? कहाँ विकास की बात हो रही है और बेटियों को कहाँ बचाया जा रहा है? आप बताइए, आप खुद बेटी है, क्या हाथरस कांड में न्याय मिला है? आप बता सकती है इस बात को? और शिक्षा की बात है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बदहाली आप नहीं दे सकते। गाजियाबाद में आते सरकारी स्कूल नहीं बना, एक एमएमजी हॉस्पिटल के अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं बना। क्या एक हॉस्पिटल की जगह नहीं है? मैं गाजियाबाद निर्भया को कहां न्याय मिला? निर्भया को तो यही न्याय, राहुल जी उत्तर निर्भया कांड को इतने सालों, मगर उसमें भी हमारा सहयोग रहा है, शीला जी का पूरा सहयोग रहा है, शीला जी का पूरा सहयोग था। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करी जाए तो महिलाओं को कहीं भी सुरक्षा की नहीं होती, ना विकास की बात होती, ना योगराज की बात होती, ना मुद्दों की बात होती है, सिर्फ जातिवाद की और कूटनीति की राजनीति की बात करते हैं। और राहुल जी पे अगर धारा लगा के वो संसद से बाहर निकल रहा है तो मोदी जी का वो डर है और खौफ है, क्योंकि आज वो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से हिल चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, वहाँ पे योगी की पूजा होती है? योगी की पूजा होती क्योंकि उन्होंने इतने अपने पर मुकदमे खत्म कराए हैं ना मुख्यमंत्री बनने से पहले। शायद वो जिस दिन सरकार से उतरेंगे ना सबसे पहले जेल में वही जाएंगे। सबसे पहले बोल जाएंगे वो नेता नहीं तो तानाशाही। गोरखपुर में अगर आप जाएंगे तो सिर्फ गुंडों गुंडे गुंडे माफिया थे वो गुंडे माफिया। और उन्होंने मैं खुद पहाड़ी उत्तराखंड समाज से हूँ और ठाकुर समाज से जिस बरादरी के वो है, मैं खुद कहना चाहती हूँ जिस दिन वो कुर्सी से उतरेंगे सबसे पहले जेल वही जाएंगे। जिस दिन उन्होंने अपनी फाइलें बंद करवाई है सारी फाइलें खुलेंगी, सारी फाइलें। लड़ी थी संसद में राहुल गांधी सुरक्षा से बाहर रहे 6 महीने 6 महीने
सड़क से बाहर रहे हैं, आप कह रहे हो सड़क पे नहीं है, छह महीने राहुल गांधी सड़क पर रहे। बोलो भैया बताइए क्या बोल रहे थे मैडम आप, आपका सवाल तो पूछिए मैं बोलता हूँ ना, बोलिए क्या सवाल है, क्या क्या करके मानेंगे आप लोग राहुल जो अमित शाह जी के बारे में पूछा ना मैडम, 2014 के बाद जब से ये सत्ता में आए हैं 2016 8 नवंबर को 8 बजे एक घोषणा होती है नोटबंदी की और देश की जनता ना लाइन में लगती है मैडम, उसके बाद पूरा लेट मी कंप्लीट मैडम, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, सुनिए ना, अमित शाह जी है ना जिस अहमदाबाद कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के डायरेक्टर होते हैं उसी सोसाइटी में उसी बैंक में नोटबंदी के टाइम करोड़ों रुपए जमा होते हैं, मैडम आज तक हुई क्या उसकी जांच और कोई एफआईआर हुई, कोई सजा हुई और वो कभी डिस्क्वालीफाई हुए, आपको याद होगा हरेन पांड्या, हरेन पांड्या लिसन मुझे कंप्लीट करने दीजिए मैडम, हरेन पांड्या, हरेन पांड्या कहाँ के गृह राज्य मंत्री थे, हरेन पांड्या जी कहाँ के गृह राज्य मंत्री थे मैडम, गुजरात के थे, उनके निर्मम हत्या कर दी जाती है और आप उस याचिका को पढ़िएगा जाके, उनके पिताजी ने किसके ऊपर आरोप लगाया है, वो आज तक जांच हुई, किसने हत्या किया, किसने हत्या किया, आप पढ़िए याचिका मैडम, आप भी तो लोकतंत्र की सजग प्रहरी है मैडम, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र की, आप पढ़िए उस याचिका को, उसमें उनके पिताजी ने क्या आरोप लगाया, हरेन पांड्या जी के पिताजी ने, आप देखिए आज तक हुआ कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुआ किसी का, किसी संसद सदस्य का, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से डिटेन किया जा रहा है, एक एक करके उठाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो है कांग्रेस कार्यकर्ता को उठाया जा रहा है और ये लोग लगातार भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस जो है दिल्ली पुलिस जो है डिटेन कर रही है कांग्रेस कार्यकर्ता को। सर क्या बोलेंगे, सर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बनोगे जैसे हम आर्मी के लोग अग्निवीर बना दिए इन्होंने, पुलिस वाले भी अग्निवीर बनाएंगे, टीए डीए सारे बेनिफिट बूट बेल्ट की नौकरी के खत्म करते हैं। आज मैं आर्मी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं आर्मी से रिटायर पर्सन हूँ, मैंने देखा है आर्मी का भविष्य क्या है, 4 साल का जो आज नौकरी कर दी है ले लद्दाख में नौकरी कैसे करेगा, आर्मी में जब नौकरी करता है नौजवान तो विपरीत परिस्थितियों में करता है, विपरीत मौसम में करता है, 4 साल में एक जवान को दांत भी खराब हो सकते हैं, कोई बीमारी भी हो सकती है, 4 साल में हो गया नरेंद्र मोदी चोर, नरेंद्र मोदी क्रांति होगी, नरेंद्र मोदी मूर्ति होगी, अब क्रांति होगी, रोक नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिटेन किया जा रहा है, पुलिस वाले भाइयों मैं भी यार की साइड पर हूँ, पुलिस वाले आओ, आपको भी एक दिन रोड पर आना पड़ेगा, आप गुलाम की तरह धक्का मत मारिएगा, देर राहुल गांधी से टकराने वाला मुझसे टकराओ, मोदी जी को नहीं पता कि आज देश में गरीब किसान हो रहे हैं, 5 किलो राशन नहीं रह सकते, आज महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर है, जिलाधिकारी काम नहीं कर पा रहे, कमिश्नर आगरा क्या बोलेंगे, तानाशाही चल रही है इस देश का, इस देश का मुखिया तानाशाही हो चुका है, वो अपनी तानाशाही में राहुल गांधी जी को उन्होंने सजा सुनाई है, उन्हें घर से बैठ करती है कांग्रेस, बात करने की तमीज नहीं है कांग्रेस को, भाजपा के लोग जो विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं उनको सजा क्यों नहीं मिल रही है, लोग भाजपा के लोग बोल रहे हैं गोली मारे सालों को, ये क्या विवादित बोल रही है, अरे भाई लल्लू भाई लल्लू जी, लल्लू जी एक सेकंड, एक सेकंड, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लल्लू जी हम लोग, लल्लू जी क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, अरे भाई आप देख सकते हैं।
लापरवाही कर रहा है, ठीक है, बुलेट प्रूफ प्रशासन। जो अगर सच बोलते हैं तो वो भी नहीं बोल पा रहे हम। लल्लू जी क्या बोलेंगे आप? देखिए ये जुल्मी सरकार है, अन्यायी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, ये डरती है, कायर सरकार है। आप दिल्ली, आप सरकार को की आवाज को दबाना चाहती है। हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक एक करके सारे कांग्रेस कार्यकर्ता को डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो है दिल्ली पुलिस जो है खड़ी है और एक एक करके सबको डिटेन करती जा रही है। लोगों को क्या लगता है, इन लोगों की मांग जो है, कब तक इनकी जो मांग